हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स को फ्री के भाव ला सकते हैं। हम इस लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कर पाए तो शायद हम कामयाब होंगे। आपका कुछ प्राइस वगैरह? हाँ, हम एक प्रोडक्ट है, ये डिजिटल सैनिटाइजर हमारा एक प्रोडक्ट है, ये हम लोगों ने 3,000 रुपये में लॉन्च किया था, क्योंकि इसके अंदर प्रोप्राइटरी पार्टनर है हमारा, एक कोरिया की कंपनी है जो हमारा प्रोप्राइटरी पार्टनर है, जिसमें हम काम करते करते इसको इतना ज़्यादा इकोनॉमिक कर पाए हैं और इतनी बड़े वॉल्यूम्स को हम अचीव कर पाए हैं कि आने वाले टाइम में शायद हम इसको एज अ फ्री गिफ्ट विद द एप्पल फ़ोन, विद द स्मार्टफोन, एनी फ़ोन, हम इसको फ्री गिफ्ट एज अ बंडल करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर कोई 5 किलो आटा भी खरीदेगा तो आप फ्री दे पाएँ, इस तरीके की कुछ स्कीम्स और कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैं बहुत सारी बातें नहीं कह सकता बिकॉज वी आर अ लिमिटेड कंपनी, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। जिस तरीके से सर कोरोना वायरस के लिए पूरी दुनिया जद्दोजहद कर रही है लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाई है, तो आपको पूरा विश्वास है इस तरीके के वायरस से इस तरीके कैसे लड़ पाएंगे? सर हम वायरस का तोड़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि उस वायरस से हर कोई इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि वी आर नॉट अ डॉक्टर, वी आर नॉट अ मेडिकल कंपनी, बट वी आर हम एक सेफ गार्ड हैं। यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज करते हैं, वो बाईपास सर्जरी करते हैं, वो ऑपरेशंस करते हैं, तो ऑपरेशंस और ये सारे करते हुए उनको जिन गैजेट्स की जरूरत पड़ती है जिससे वो खुद इन्फेक्टेड ना हो, ये समझ लीजिए कि हम ऐसे कुछ गैजेट्स बना रहे हैं जिससे हम इन्फेक्शन को रोक पाएँ, ट्रांसमिशन को रोक पाएँ। तो बात करें वोकल फॉर लोकल की, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है जी भारत को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इसमें किस हद तक कामयाब होगा? हम लगभग अगर बात करें तो आज हमारे करीब 6 या 7 मॉडल्स हम लोग लॉन्च किए हैं हमने ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होगी कि हिंदुस्तान में 22 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ और मई तक हिंदुस्तान की कोई भी सिटी, कोई भी शहर, कोई भी फैक्ट्री नहीं खुली हुई थी, और हम लोगों ने 28 अप्रैल को पहली डिलीवरी स्टार्ट कर दी थी। यानी कि इस दौरान हम लोगों ने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया, प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट का सप्लाई भी शुरू किया। लोगों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये कहीं पहुँच पाएगा, और हमारी पहली डिलीवरी हुई मुंबई में जो सबसे ज़्यादा कोविड से इन्फेक्टेड था। एंड मई और जून आते आते हम लोगों ने हिंदुस्तान के हर शहर में हमारा सामान पहुंचा दिया, और आज हमें ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मोर देन 80% प्रोडक्ट हम इंडिया में बना रहे हैं। So, ladies and gentlemen, thank you very much. We feel that we have to go to other appointments. Yeah. Thank you for receiving us such a gracious show. Thank you very much.